कैसा है मेरा दोस्त मेरे भाई, कॉपी पेन निकाल लो और आज की डेट डाल लो। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, इफ द डायग्राम इन द फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा करेक्ट होगा। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यहाँ पे हमको दे रखा है और इसमें से हमने चेक करना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें यहाँ पे हमने पॉइंट आउट करके रखनी है। अगर हमारा ग्राफ ऐसा बनता है फ्रेंड, जो हमारा u है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, तो जो a होगा वो आएगा ग्रेटर देन जीरो। और अगर हमारा ग्राफ ऐसा बन रहा है जो u है वो हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, तो जो हमारा a होगा वो होगा लेस देन जीरो। तो जो ग्राफ हमको यहाँ पे दे रखा है वो कुछ इसी टाइप का ग्राफ है। जो हमको u शेप मिल रहा है वो मिल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उल्टा मिल रहा है। तो एक चीज़ तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा a होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो। सेकेंड चीज़ हमने क्या निकालनी है, देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो हमारा सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का बी अपॉन में ए, है ना। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अल्फा हमारा यहाँ से मिल जाएगा हमको, और बीटा हमको इस पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ से मिल जाएगा। देखो जो अल्फा है ना हमारा, ये लगभग इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि वन डिस्टेंस पे यहाँ से कट कर रहा है, क्योंकि ये लगभग थ्री डिस्टेंस पे कट कर रहा है यहाँ से, माइनस थ्री इसको हम पकड़ के चल सकते हैं। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए, क्योंकि इसका जस्ट थ्री टाइम्स होगा ये, तो इसको मैंने थ्री ले लिया और उसको वन ले लिया। अभी जब यहाँ पे रखोगे ना, अल्फा को वन ले लिया और बीटा ले लिया माइनस थ्री, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा माइनस का बी, और जो ए है ना वो नेगेटिव है। ये यहाँ से देखो हमको नेगेटिव मिल रहा है ना, ये माइनस माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है लेस देन जीरो। जस्ट इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है लेस देन जीरो। तो अभी बी की वैल्यू हमको पकड़ में आ गई। अभी हमने सी के बारे में बात करनी है, तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको देख लेते हैं। ये होता है सी अपॉन में ए। देखो एक जीरोज हमारा वन है और बीटा की वैल्यू माइनस थ्री, और यहाँ से सी और ए हमारा है नेगेटिव। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये आएगा नेगेटिव, और यहाँ से भी देखो सी अपॉन में नेगेटिव। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ से आपको सी मिल जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो ये चीज़ हमारी तीन पकड़ में आ रही है, ए हमारा लेस देन जीरो है, बी भी लेस देन जीरो है, और सी है ग्रेटर देन जीरो। तो अभी आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना भाई, ये हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।